मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल मूविंग एट एन एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर्स नहीं है यानी कि परपेंडिकुलर नहीं है। तो सपोज करो ये बी वेक्टर है राइट की तरफ, ये वी वेक्टर है और दोनों के बीच में एंगल कितना है थीटा। तो इसके अंदर अगर मैं क्वेश्चन ये पूछूं आपसे कि ये आपके पास बी वेक्टर है और ये आपके पास वी वेक्टर है और इनके बीच में एंगल कितना है 90, तो बताओ ये कैसे मूव करेगा चार्ज पार्टिकल? सर्कल। आपको के सर्कल कैसे दिख नहीं रहा? क्योंकि आपने तो याद कर लिया ना, आपको लगता है शायद डायग्राम हमेशा ऐसे ही आएगा सर्कल वाला, वो क्रॉस ऐसे नहीं है, रूल तो वही लगा रहा हूँ। अगर बी और वी 90 डिग्री पे हैं तो उसने सर्कल में मूव करना ही है, सही है यहाँ तक? तो पिछला रिजल्ट लगाया, लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री पे नहीं है तो सर्कल में नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? वेलोसिटी के मान लो दो कॉम्पोनेंट्स हैं, एक वी कॉस थीटा और एक वी साइन थीटा। आप बस मुझे ये चीज बताओ कि अगर बी वेक्टर सपोज राइट है और वेलोसिटी अगर मान लो ऐसे होती 90 डिग्री पे तो पार्टिकल कैसे घूमता है ना सर्कल, ये बात हुई? पार्टिकल सर्कल में घूमता। तो अगर ये वेलोसिटी जो मर्जी होती उससे कोई फर्क ना पड़ता आपको, वेलोसिटी चाहे दो हो चाहे चार हो चाहे छह हो, अगर एंगल 90 है सर्कल बनना ही बनना है, सही है? तो ये बताओ अगर ये वेलोसिटी वी साइन थीटा होगी तो भी तो सर्कल ही बनेगा, जो मर्जी वैल्यू हो उससे क्या फर्क पड़ता है? तो यानी कि इस क्वेश्चन में v sin थीटा कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी जो b के साथ एंगल कितना बना रही है 90, ये रिस्पॉन्सिबल है पार्टिकल को किस में घुमाने के लिए? इन अ सर्कल। तो पार्टिकल कितनी वेलोसिटी से सर्कल में घूमेगा? v sin थीटा से घूमेगा। तो फिर v cos थीटा क्या कर रही है? तो ये बताओ अगर चार्ज पार्टिकल कि वेलोसिटी और बी में एंगल जीरो तो वो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करती। हमने फर्स्ट लेक्चर में कर लिया था कि मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग सकती अगर वेलोसिटी और बी सेम डायरेक्शन में, यानी कि वी कॉस थीटा की वजह से कोई मैग्नेटिक फोर्स तो लगने वाली है नहीं, पर वी कॉस थीटा वेलोसिटी से ही पार्टिकल आगे मूव करना शुरू कर देगा क्योंकि वेलोसिटी तो है ही पार्टिकल की। अब आप ये देखो कि यहां पर दो कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटीज हैं, v sin थीटा वेलोसिटी पार्टिकल को किस में घुमा रही है ना सर्कल। तो अगर ये v cos थीटा ना होता सिर्फ v sin थीटा होता पार्टिकल खड़ा खड़ा किस में घूमता है ना सर्कल, लेकिन v cos थीटा भी है तो जो इधर खींचनी है खींच रहा है पार्टिकल को, तो पार्टिकल v sin थीटा से सर्कल में घूमेगा और v cos थीटा से मेरी तरफ भी आना शुरू कर देगा, तो शेप क्या बनेगी? हेलिक्स। v sin थीटा से सर्कल, v cos थीटा से आगे, तो v sin थीटा सर्कल में घुमा रहा है। क्यों घुमा रहा है सर्कल में? क्योंकि v sin थीटा और b में एंगल कितना है 90, तो जब भी वेलोसिटी में और b में एंगल 90 है तो पार्टिकल ने किस में घूमना है ना सर्कल, अभी किया था। तो v sin थीटा पार्टिकल की वेलोसिटी है जिससे वो सर्कल में घूमेगा और v cos थीटा से वो आगे भी जाएगा, तो दोनों चीजें इकट्ठी होंगी, सर्कल में घूमना भी और आगे भी जाना भी, तो उसकी शेप क्या बनेगी? हेलिकल। ठीक है यहां तक? तो पहला रूल क्लियर है, हेलिकल क्यों है। और अगर मैं फिर कह रहा हूं ये v cos थीटा जीरो कर दें तो v sin थीटा और b में एंगल 90 बच जाएगा, तो ये खड़ा खड़ा किस में घूमता जाएगा? ये ना सर्कल, तो सर्कल में घूमेगा, पर इस बार सर्कल बोर्ड के ऊपर नहीं है, सर्कल ऐसे है। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि b वेक्टर बोर्ड के अंदर नहीं है, b वेक्टर राइट है। तो b वेक्टर राइट है, अब फ्लेमिंग का रूल लगा के देख लें, b वेक्टर ये देखो लेफ्ट रूल, b वेक्टर ऐसे है, वेलोसिटी वेक्टर ऐसे है, तो फोर्स कैसे है? बोर्ड के अंदर। बोर्ड के अंदर का मतलब अब जो सर्कल बनेगा वो ऐसा बनेगा, ऐसे कैसे? ये देखो, ये देखो ऐसे बनेगा। क्यों? क्योंकि मान लो ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ठीक है, ये डायग्राम में ये पार्टिकल यहां पर, तो ये v sin थीटा है। तो इमेजिन करो कि अगर ये b वेक्टर मेरी तरफ है, b वेक्टर जो है वो मेरी तरफ है, ऐसे पार्टिकल की वेलोसिटी v sin थीटा ऊपर है, फोर्स कैसे है? पीछे। पीछे का मतलब ऐसे, ऐसे का मतलब सर्कल का सेंटर यहां मिलेगा, तो पार्टिकल ऐसे घूमेगा। तो समझ में आ रहा है इस प्लेन में क्यों घूम रहा है? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स पीछे की तरफ लग रही है, ऐसे नहीं लग रही, ऐसे लग रही है। चलो इन एनी केस v sin थीटा पार्टिकल को किस में घुमा रहा है? इन सर्कल। और v cos थीटा पार्टिकल को कहां लेके जा रहा है? इस तरफ। तो ये हेलिकल है।
तो ये हेलिकल पाथ है। इस हेलिकल पाथ के अंदर ये जो दो सर्कल बनते हैं, किन्हीं भी दो सर्कल के सेंटर में ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर होता है। इस एक सर्कल और दो सर्कल के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। या ऐसा भी मान सकते हैं कि मान लो ये पार्टिकल यहां पर था, तो ये घूम के यहां पे तो आएगा नहीं, क्योंकि अगर ये घूम के यहीं पे आता गया फिर तो खड़ा खड़ा सर्कल में घूमता जा रहा है, फिर तो सर्कल हो गया। हेलिक्स में क्या होता है, यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पे आया, फिर यहां से स्टार्ट हुआ तो आगे गया, तो वो साइमल्टेनियसली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर करता है। तो एक चक्कर में मान लो वो यहां से चला, यहां से चल के वो यहां पे आया, तो एक हॉरिजॉन्टल एक टाइम पीरियड में, एक टाइम पीरियड का मतलब एक चक्कर में, तो जैसे कोई भी पार्टिकल यहां से चला यहां पे नहीं आएगा, हेलिक्स में कहां आएगा, थोड़ा सा आगे आएगा, तो यहां से चल के यहां पे आया, तो ये एक चक्कर का टाइम, एक टाइम पीरियड में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड है। इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को जो एक चक्कर में कवर होता है इसको पिच बोलते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं, हेलिक्स की पिच। पिच हमेशा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को ही बोलते हैं, और पिच का मतलब ये नहीं है यहां से लेके हेलिकल पाथ टोटल कितना बना, ना, एक चक्कर के अंदर जो वो डिस्टेंस कवर कर गया राइट की तरफ वो पिच है। क्लियर है यहां तक? इस हेलिक्स के अंदर ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी है, ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी है। कई किताबें क्या करती हैं, ये जो वेलोसिटी है ये बी वेक्टर के साथ पैरेलल है, इसको वी पैरेलल बोलते हैं। पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। और इस वेलोसिटी को बोलते हैं वी परपेंडिकुलर, वी परपेंडिकुलर टू व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड। तो कई बुक्स इसको वी परपेंडिकुलर और वी पैरेलल भी बोलती है, क्योंकि ये वेलोसिटी बी के पैरेलल है और ये वेलोसिटी बी के 90 डिग्री पे है। कोई डाउट इसमें? ठीक है, अब ये बताओ ये हेलिकल पाथ में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं विद द वेलोसिटी ऑफ वी, वी ने बी के साथ 90 एंगल तो बनाया नहीं, कितना बनाया, थीटा। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या लगेगी, बी क्यू वी साइन थीटा, 90 नहीं बनेगा, क्योंकि अगर एंगल 90 बना होता तो तुम यहां 90 पुट कर देते, क्योंकि यहां एंगल क्या बना, थीटा, तो बी क्यू वी साइन थीटा। कोई डाउट इसमें? अब ये मैग्नेटिक फोर्स रिस्पॉन्स या ये वी साइन थीटा रिस्पॉन्सिबल है पार्टिकल को किसमें घुमाने के लिए, सर्कल, यानी कि पार्टिकल सर्कल में घूमेगा, कितनी वेलोसिटी से घूमेगा, वी से नहीं घूमेगा, वी साइन थीटा से घूमेगा। तो सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला एम वी स्क्वायर बाय आर नहीं बनेगा, एम वी साइन थीटा स्क्वायर बाय आर है, क्योंकि यहां पर कौन सी वेलोसिटी है जो सर्कल में घुमा रही है, वी नहीं, वी साइन थीटा, तो वी साइन थीटा स्क्वायर बाय आर। और मैग्नेटिक फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, तुम इन दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वेट करके वी साइन थीटा से वी साइन थीटा कैंसल, रेडियस का फॉर्मूला आ गया। तो अगर वो एंगल पिछले केस में 90 था, वी और बी में एंगल 90 था, तो ये थीटा 90 पुट करो, फिर पुराना आंसर आ गया एम वी बाय बी क्यू, क्योंकि उस टाइम वी वेलोसिटी से पार्टिकल 90 डिग्री पे घूम रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, यहां पर कौन सी वेलोसिटी के साथ सर्कल में घूम रहा है, वी साइन थीटा, तो एम वी बाय बी क्यू नहीं, एम वी साइन थीटा बाय बी क्यू। हर जगह वी की जगह क्या रिप्लेस कर रहे हैं, वी साइन थीटा, सही है। रेडियस की वैल्यू आ गई, कई बुक्स क्या करती हैं, वी साइन थीटा की जगह वी परपेंडिकुलर, एक ही बात है, क्योंकि वी परपेंडिकुलर का मतलब यहां पर क्या होता है, वी साइन थीटा। अब इसके अंदर अगर पार्टिकल घूम रहा है सर्कल में तो उसका ओमेगा भी होगा, एंगुलर वेलोसिटी, तो लगाओ फॉर्मूला वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, नहीं, क्योंकि पार्टिकल सर्कल में वी के साथ घूम ही नहीं रहा, पार्टिकल सर्कल में किसके साथ घूम रहा है, वी साइन थीटा इज आर ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू वी साइन थीटा बाय आर, आर की वैल्यू ऊपर से नीचे पुट करके वी साइन थीटा से वी साइन थीटा कैंसिल, ओमेगा सेम आ गया, ओमेगा आ गया। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ओमेगा इज 2.2 फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ओमेगा बाय 2 पाई, ओमेगा को 2 पाई से डिवाइड किया तो फ्रीक्वेंसी आ गई। तो 1 बाय फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड, तो रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज टाइम पीरियड, फॉर्मूला आ गया। तो हमारे पास रेडियस का फॉर्मूला आ गया, ओमेगा का आ गया, फ्रीक्वेंसी का आ गया, टाइम पीरियड का आ गया, और लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है वो है पिच। पिच का मतलब, पिच या हॉरिजॉन्टल पिच एक ही बात है, क्योंकि पिच हमेशा हेलिक्स में हॉरिजॉन्टली होती है। तो पिच का मतलब है एक चक्कर में, एक टाइम पीरियड में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अब क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर कोई फोर्स तो है नहीं,
कि इस फोर्स तो वाई के अलोंग थी जो सर्कल में घुमा रही है, एक्स में कोई फोर्स नहीं है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, और फिजिक्स में जब वेलोसिटी कांस्टेंट है एक्स में तो कौन सी इक्वेशन अप्लाई करते हैं, एस इज इक्वल टू वी टी। तो पिच क्या होगा, कौन सी वेलोसिटी से, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से ये पार्टिकल मूव कर रहा है, वी कॉस थीटा, और एक चक्कर के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में टाइम पीरियड क्या पुट करेंगे, कैपिटल टी, तो वी कॉस थीटा इंटू कैपिटल टी। कैपिटल टी हम निकाल चुके हैं, तो ये पिच का फॉर्मूला, मैंने वी एक्स लिख लिया, यानी कि वी कॉस थीटा वी एक्स है, यानी कि वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। वैसे या तो ये फॉर्मूला याद कर लें, मैंने ये याद किया हुआ है कि टाइम पीरियड तो मुझे याद ही है, तो वी कॉस थीटा को कैपिटल टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगी, पिच आ जाएगी। ये डायग्राम बनाएं और फॉर्मूला रजिस्टर में एंटर करें सभी फॉर्मूलाज।